हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और ये हमारे चैनल एमजी फॉर अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज हमारा वीडियो नंबर 17। वीडियो नंबर 16 में हमने क्या किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। तो हमारा सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया था। अगर वो कैश में गुडविल लेके आता है, कैश में गुडविल नहीं ला पाता है या इन काइंड में लाता है, तो क्या क्या एंट्रीज बनाते थे, हमारी एंट्री बन गई थी और क्वेश्चन भी हो गए थे। उसके बाद एक टॉपिक रह गया था गुडविल का ही, जिसे बोलते हैं हम हिडन गुडविल। मतलब क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है कि जो नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है उसके हिस्से की कितनी गुडविल है या वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है और इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। तो क्या लिख रखा है, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप लिख रखे हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में। ये लिख रखा है मैंने स्टेप ए, सबसे पहले क्या करना है, जब भी हिडन गुडविल का कंसेप्ट आएगा तो मुझे चेक करना है फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो मुझे क्या करना है, पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है, किसके बेस पे, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के बेस पे मुझे पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फाइंड द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और फिर मुझे चेक करना है कि हमारी फर्म में एक्चुअली में कितनी कैपिटल है। और क्या लिख रखा है आगे, इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब मुझे ए बी सी, मैं मानता हूँ कि ए और बी पार्टनर है और सी एडमिट हो रहा है, तो मुझे ए बी सी की एक्चुअल कैपिटल कितनी है वो चेक करनी है। उसके बाद तीसरे स्टेप है फाइंड द गुडविल, जो इजी है हमारा। क्या करना है मुझे यहाँ पे, स्टेप ए माइनस स्टेप बी। तो मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पे पूरे फॉर्म की कैपिटल निकाली सी के बेस पे, जो नया पार्टनर है उसके बेस पे कि कितनी होनी चाहिए, और उसमें से मुझे क्या माइनस कर देना है, एक्चुअली में कितनी कैपिटल है, तो जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं और आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39 है, बुक सेम है, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन है हमारे पास। और क्वेश्चन में आपके सामने एक बार रीड कर देता हूं क्या कहता है। कहता है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3,20,000 एंड 2,40,000 रुपीज। मतलब अनिल एंड सुनील की कैपिटल दे रखी है, दे एडमिटेड चारू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसे, जिसका नाम है चारू और उसका शेयर है 1/4 शेयर। आगे क्या लिख रखा है, चारू ब्रॉड 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। तो चारू कितनी कैपिटल लेके आ रही है, वो लेके आ रही है 3,20,000 की। और आगे लिख रखा है क्या, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो दोस्तों मुझे यहाँ कैपिटल तो दे रखी है कितनी लेके आ रही है, बट गुडविल नहीं दे रखी है कि गुडविल कितनी लेके आ रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये भी नहीं लिख रखा है कहीं पे गुडविल वो कैश में ला रही है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि कैश में नहीं ला रही है गुडविल। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले हिडन गुडविल है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और मैंने बताया यहाँ पे दो स्टेप है, सबसे पहले क्या करना है मुझे, फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कीजिए। तो नया पार्टनर आ रहा है सी, और कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है 3,20,000 रुपीज की। और जो सी का शेयर है चारू, सी शेयर दे रखा है हमें कितना, 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा हो। तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे पूरे फॉर्म की कैपिटल निकालनी है, फॉर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो सी की कैपिटल बेस के हम पूरी फॉर्म की कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3,20,000 सी की कैपिटल है और 1/4 सी का शेयर है। तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, 4/1 कर दूं, तो क्या जाएगा यहाँ पे, सी की, सी के बेस पे पूरे फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो ये आता है आपका कितना, 12,80,000 रुपीज। तो ये आई कि अगर सी की कैपिटल 3,20,000 है और उसका शेयर 4 है, तो पूरे फॉर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12,80,000। अब हम चेक करेंगे कि पूरे फॉर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है यहाँ पे। तो हम चेक करेंगे अब एक्चुअल कैपिटल ऑफ फॉर्म। तो कैसे निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल, सिंपल है, एक्चुअल कैपिटल हम तीनों की कैपिटल को ऐड कर देंगे। तो हमें दे रखा था यहाँ पे अनिल की कैपिटल दे रखी 3,20,000, सुनील की 2,40,000। तो अनिल की कैपिटल कितनी थी, 3,20,000 रुपीज, एंड सुनील की थी 2,40,000 रुपीज, 3,20,000 है। और किसका था, जो नया पार्टनर है चारूस, कैपिटल कितनी थी, ये लाया था 3,20,000 रुपीज। तो अगर इसको ऐड कर दूं मैं, तो यह आता आपका 8,80,000 रुपीज।
तो एक्चुअल कैपिटल कितनी है पूरे फॉर्म की 8,80,000 रुपीज एंड होनी कितनी चाहिए 12,80,000। तो यहाँ पे गुडविल कैसे निकालेंगे, तीसरा स्टेप है फाइंड द गुडविल। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, स्टेप ए माइनस स्टेप बी। तो मेरा स्टेप ए था 12,80,000 जिसमें मैंने पूरे फॉर्म की कैपिटल निकाली कितनी होनी चाहिए और उसमें से माइनस कर देंगे क्या एक्चुअली में कितनी कैपिटल है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा लेके आ रहा है वो 4,00,000 जो बैठ रहा है 4,00,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो गई गुडविल हो गई पूरे फॉर्म की। अब लेकिन मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, उसके शेयर का गुडविल निकालना है, सी के शेयर का गुडविल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल, तो ये पूरे फॉर्म की गुडविल है 4,00,000 रुपीज, इसमें से आप क्या कर लीजिए सी का शेयर कर लीजिए 1/4, तो ये आ जाता है आपका कितना 1,00,000 रुपीज। तो इतनी गुडविल उसे लेके आनी चाहिए थी, लेकिन वो कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है, तो नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला रहा है। तो इस केस में हम क्या एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं बना सकते। यहाँ पे हम पहली एंट्री बना सकते हो आप कैपिटल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे आप जो सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ये तो उसकी कैपिटल के लिए लिख रहे हैं 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज सॉरी 3,20,000 रुपीज, ये आपका 3,20,000 की कैपिटल था। कहां से आ रहा है, स्टार्टिंग में दे रखा था कि कैपिटल 3,20,000 रुपीज की कैपिटल है उसकी जो लेके आ। उसके बाद गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है, तो गुडविल नहीं ला रहा है तो हम उसकी कैपिटल से काट लेंगे। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, तो मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों डेबिट किया, क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स थी। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे याद रखना, और टू सुनील्स करंट अकाउंट। तो ये किस रेशो में बांटते हैं हम, ये बांटते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और गुडविल कितनी आई उसके शेयर की 1,00,000 रुपीज, तो 1,00,000 रुपीज को आप बांट दीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पे रेशो क्या दे रखा था इनका, ओल्ड रेशो, वो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा था। तो हम क्या मानते हैं यहाँ पे ओल्ड रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे ओल्ड रेशो क्या मानेंगे हम, इक्वल मानेंगे, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है, तो दो पार्टनर का इक्वल। और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना दे रखा है कि सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, कोई किससे कितना एक्वायर कर रहा है ये नहीं दे रखा है। तो हम क्या मानते हैं इस केस में, ओल्ड रेशो में एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग भी 1:1 आ गया, तो बांट दीजिए इसको 1:1 में, ये आ जाता है आपका 50,000। तो ये क्लियर होता है आपका हिडन गुडविल का कंसेप्ट। और क्या करेंगे, कभी क्या हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो सकता है मुझे कैपिटल भी होगी ए और बी की, और सी कितनी कैपिटल से आ रहा है ये भी दिया होगा, और क्या दे रखा मुझे जनरल लेजर का बैलेंस दे रखा होगा उस डेट में, या पीएनएल का बैलेंस दे रखा होगा। तो जो जनरल लेजर का बैलेंस है वो ए और बी की कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा पहले से। तो हम जब यहाँ पे तीनों की कैपिटल को ऐड करेंगे तो जनरल लेजर भी यहीं पर ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी कैपिटल का पार्ट होता है। ऐसे पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है उसको भी यहीं एडजस्ट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस कर देंगे प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर देंगे लॉस है। तो यही सब हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो अब ये कंप्लीट होता है आपका हिडन गुडविल। तो दोस्तों करते हैं अब हम टॉपिक नंबर 4। क्या है टॉपिक नंबर 4, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो असेट्स को हमें रिवैल्यू करना है और अपनी लायबिलिटीज को रीअसेस करना है। तो ये आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी किया था, मैंने आपको समझाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ फिर भी जल्दी से। तो क्या दे रखा है मैंने यहाँ पे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, और मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, तो एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, लॉसेज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आते हैं डेबिट में, कह सकते हैं इधर लॉस या हम एक्सपेंस लिखेंगे। और इनकम एंड गेन्स, जो भी हमारी इनकम या गेन्स है वो आएंगी क्रेडिट में। यही रूल्स होते थे नॉमिनल अकाउंट के जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई फायदा होगा या इनकम होगी उसे लिखना है क्रेडिट में, और जब भी कोई नुकसान होगा या लॉस होगा उसको लिखना है डेबिट में। तो अब ये बताइए आप मुझे कि अगर हमारी असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा फायदा होगा तो कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय इंक्रीजिंग असेट। और दूसरी बात,
अगर हमारी असेट की वैल्यू कम होगी तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा, और नुकसान को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे डिक्रीज इन असेट, तो जो भी लॉस होगा डेबिट में लिखना है। ऐसी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमें नुकसान होगा, और नुकसान कहाँ आता है, डेबिट में। तो डिक्रीज इन, सॉरी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ आएगा, डेबिट में। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ लिख रखा है मैंने, डेबिट साइड में। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है हमारे दायित्व, जो मैंने, मेरा लोन है, कर्ज है, वो मैंने चुकाना है। तो अगर लाइबिलिटी मेरी कम होगी तो मुझे फायदा होगा, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी है तो इधर आएगा, मैंने लिख रखा है यहाँ पे डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ऐसी अगर मेरी कोई नई लाइबिलिटी बन रही है जो बुक्स में नहीं थी, वो नई लाइबिलिटी आज क्रिएट हो रही है, तो मेरे लिए लॉस हो भी एक तरीके का, तो ये भी यहाँ पे आएगा न्यू लाइबिलिटी के नाम से, जो भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी। और अगर कोई नई असेट बन रही है तो वो क्रेडिट में आएगी, क्योंकि हमारे लिए फायदे की बात है, अनरिकॉर्डेड असेट या न्यू असेट क्रेडिट में आएगी। उसके बाद क्या करना है, हमें टोटल करना और डिफरेंस निकालना है। अगर मेरी इनकम साइड ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मेरी एक्सपेंस साइड ज्यादा है तो मुझे लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज आएगी। तो दोस्तों ये बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हम इसका एक करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद जनरल एंट्रीज के साथ, तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 48, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन है, तो मैं एक बार रीड कर देता हूं। कहता है पास एंट्रीज इन द फॉर्म्स जनरल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कहता है जनरल एंट्री बनाइए जब एडमिशन हो रहा है पार्टनर का। कहता है मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाई 16,000 एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाई 40,000। कहता है मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 16,000 से, मतलब कम हो रही है, और बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है 40,000 से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद जनरल एंट्री करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मशीन डेप्रिशिएट हो रही है और लॉस होगा तो डेबिट में आएगा, मैंने बताया था आपको। तो टू मशीन 16,000 एंड जो बिल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है, तो वो बाय में आएगी, बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो रही है, 40,000 रुपीज से। ये हो गई आपकी पहली वाली एडजस्टमेंट, सॉरी पहली वाली एंट्री। उसके बाद कहता है नेक्स्ट अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000। कहता है हमारे पास डेटर्स हैं 80,000 रुपीज के, और उस पर 5% से प्रोविजन बनाइए। तो 5% निकालते हैं तो क्या आता है यहाँ पे 4,000 रुपीज। तो प्रोविजन जो बनेगा वो भी डेबिट में आएगा, क्यों, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक तरीके से लॉस है, तो प्रोविजन फॉर बैंक डेट। अगली एंट्री बन जाती है 4,000 से, डेबिट में आ गया क्योंकि हमारे लॉस है। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाय 12,000 रुपीज। तो वारंटी के लिए हमने कोई प्रोविजन बना रखा होगा, वो कह रहा है इंक्रीज कर दो 12,000 से। तो जो हमने प्रोविजन बना रखा होगा ऑलरेडी, वो कहां रहा होगा, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज कर दें तो ये भी डेबिट में आएगी। तो टू प्रोविजन फॉर वारंटीज, तो कितने से 12,000 से इंक्रीज हो रही है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट या लॉस चेक करेंगे। तो टोटल किया तो इनकम साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का, उसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना आता है ये आता है आपका 32,000, इनको ऐड करके और माइनस करेंगे तो आएगा आपका 18,000 रुपीज का प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्यों, क्योंकि यह है ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट या लॉस है। तो ओल्ड रेशो मुझे क्वेश्चन में कहीं पे दे नहीं रखा था, तो क्या करेंगे हम इसको इक्वली बांट देंगे, और इक्वली आएगा ये, कौन कौन थे ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे, कुछ नहीं दे रखा, मैं मान लेता हूँ ओल्ड पार्टनर्स हैं यहाँ पे ए और बी। तो ए और बी में अगर बांटूंगा तो 9,000 एंड 9,000, तो इस रेशो में बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब आती है बात जनरल एंट्रीज की, तो जनरल एंट्री क्या क्या बनेगी। तो जो भी असेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है सबकी अलग अलग जनरल एंट्री बना लीजिए, क्या बनेगी। सबसे पहले मशीन की बनाते हैं हम, मशीन डिक्रीज हो रही थी 16,000 से, तो असेट का नेचर होता है डेबिट, और असेट डिक्रीज होगी तो कहां आएगी, क्रेडिट में। तो असेट को हम लिख देंगे क्रेडिट में, मशीन डिक्रीज हो रही है, टू मशीन अकाउंट, और डेबिट में क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही कहा आपने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बनती है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो इसके बाद हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट की, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी हमारे लिए लॉस है एक तरीके से, तो क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर
बैड डेट। तो कह सकते हो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट मारेगी, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है यहाँ पे, तो 4000 से इंक्रीज हो गया। और सिंपल से इसी में बन जाएगी क्या, प्रोविजन सॉरी रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटीज। तो वारंटी भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में आएगी, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। अब आता है बाई साइड में पहुंचते हैं हम, बिल्डिंग है यहाँ पे, तो बिल्डिंग है 40,000 से इंक्रीज हो रही है, तो असेट का नेचर डेबिट होता है और असेट इंक्रीज होगी, तो गारंटी बनाएंगे हम यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बन जाएगी यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो ये कितने से इंक्रीज हो रही है 40,000। उसके बाद एक एंट्री और बनेगी जो ये प्रॉफिट आया था इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो इस प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब है कि टू ए टू बी, तो जो भी हमारा 18,000 का प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स में। अगर यहाँ पे लॉस आता तो एंट्री हम बनाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ जाता, क्योंकि लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स कैपिटल हमारे लिए, और लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट उन्हें मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और प्रॉफिट लॉस है तो लॉस हम उनसे लेंगे, रिकवर करेंगे तो डेबिट में आ जाएंगे। तो सिंपल अगर लॉस होगा तो क्या एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये होता है क्वेश्चन हमारा, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम। तो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 55, सेम बुक टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन है। कहता है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सी, the assets and liabilities of A and B were revalued as follows. Assets और liability में revalue दे रखी है, क्या क्या हो रहा है, और last में बोल रहा है past general entries, past necessary general entries. तो मैं general entry बनानी है, तो इस बार मैं revaluation account ना बनवा के direct general entry बनवाता हूँ आपको, कैसे बनेंगी। तो पहला पॉइंट दे रखा, a provision for doubtful debt at the rate 10% was made on sundry debtors, और sundry debtors दे रखे हैं कितने, 50,000 rupees। तो यहाँ पे क्या entry बन जानी है, सिंपल है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है हमें कितने परसेंट से, 10% से बनाना है ऑन डेटर्स पे। तो डेटर्स कितने दे रखे हैं, 50,000, तो 50,000 का 10% आता है आपका कितना, 5,000 rupees। तो 5,000 से एंट्री बनेगी और डेटर्स कम होंगे, डेटर्स कम होंगे और नई लाइबिलिटी क्रिएट होगी किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से, और डेबिट में आ जाएगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बनती है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू provision for bad debt या doubtful debt भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये आएगा 50,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 5,000 rupees। तो A part की general entry ये बनती है आपकी। अब उसके बाद हम देखते हैं B part, और B part यहाँ पे दे रखा है creditors were written back by 5,000 rupees। तो मतलब creditors कम हो रहे हैं यहाँ पे 5,000 से, और creditors कम होंगे, liability कम होगी तो कहाँ आएगी liability, debit में आएगी, क्योंकि liability का nature credit होता है। तो liability को debit में लेके आइए, और ये बन जाएगी आपकी क्या, creditors account debit, क्योंकि यहाँ पे creditors कम हो रहे हैं, creditors account debit to revaluation account, और 5,000 से कम हो रहे हैं तो 5,000 से entry बना देते हैं हम इसको। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सी, हमारे पास क्या कहता है, सी पॉइंट कहता है बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20% और बुक वैल्यू दे रखी है 2,00,000 rupees। तो मतलब बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 2,00,000 rupees का 20%, तो 2,00,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, बिल्कुल सही कहा, 40,000 rupees। तो 40,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है और असेट इंक्रीज होगी तो कहां आएगी, डेबिट में आएगी। तो क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये भी बन जाती है आपकी, ये इंक्रीज हो रही है कितने से, बिल्डिंग दे रखी थी आपकी 2,00,000 rupees, 2,00,000 rupees का 20% 40,000 rupees, तो ये तो निकालना आता होगा आपका 2,00,000 into 20%। उसके बाद आता है आपका डी पॉइंट, कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000, मतलब हमें एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है, तो नई असेट क्रिएट हो रही है यहाँ पे, और नई असेट क्रिएट होगी तो कहाँ आएगी, डेबिट में। तो एंट्री बनेंगे क्या,
डेबिट में असेट को लिखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर दीजिए किसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को और अमाउंट कितने से इंक्रीज हो रही है यहाँ पे सॉरी नई वैल्यू कितनी है ये है आपकी 15,000 रुपीज। अब हम देखते हैं ई पॉइंट में कहता है प्रोविजन ऑफ 2000 वाज मेड ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर मतलब हमें प्रोविजन बनाना एक आउटस्टैंडिंग बिल है आउटस्टैंडिंग बिल का मतलब हमें रिपेयर का एक बिल देना भी बाकी है आउटस्टैंडिंग है तो ये क्या है लाइबिलिटी हमारे लिए और नई लाइबिलिटी आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे हम क्या यहाँ पे बना देता हूं मैं ईएमआर एंट्री और एंट्री बनाएंगे क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर तो कितनी अमाउंट से है जो नया बिल है इन्होंने बताया था हमें 2000 का बिल है हमारा तो 2000 से एंट्री बना दी यहाँ पे उसके बाद लास्ट एंट्री जो हमारे पास है वो बोलता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर वॉज 3000 रुपीज तो मतलब एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ रही है किसके लिए सप्लायर्स के लिए मतलब हमें सप्लायर्स को 3000 रुपीज देने हैं जो अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखे सप्लायर कौन होते हैं हमारे सप्लायर होते हैं क्रेडिटर्स जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं जिससे मैंने उधार खरीदा वो कौन है क्रेडिटर है सप्लायर है तो क्रेडिटर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो क्या एंट्री बनेगी क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो 2 में आएगा और डेबिट में क्या आ जाएगा बिल्कुल सही कहा आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स तो 3000 से ये आ गया आपका और इसके बाद एफ के बाद आपके पास और कोई पॉइंट नहीं है अब चेक करिए आप यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कैसे चेक करेंगे यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 5000 से तो रिवैल्यूएशन डेबिट यहाँ पे 5000 से फिर चेक करिए रिवैल्यूएशन कहाँ है डेबिट में फिर वहां पे आता है रिवैल्यूएशन डेबिट 2000 से फिर वहां पे आ रिवैल्यूएशन डेबिट 3000 से तो टोटल रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ 10,000 से अब देखिए क्रेडिट में कितनी बार जा रहा है रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 5,000 रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 40,000 रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 15,000 तो टोटल क्रेडिट कितने से हुआ रिवैल्यूएशन ये हुआ आपका 60,000 रुपीज से तो चेक करिए हमें पे प्रॉफिट है या लॉस है रिवैल्यूएशन क्रेडिट का मतलब क्या था हमारे लिए फायदा है तो क्योंकि हमारे लिए इनकम होता है और टोटल इनकम है हमारी 60,000 रुपीज और एक्सपेंस है 10,000 रुपीज का तो चेक करिए हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने का ये हो रहा है आपका 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है तो इस 50,000 के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो भी इनके ओल्ड रेशो में इसकी एक एंट्री और बना सकते हैं यहाँ पे एक एंट्री बनेगी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से रेशो में ओल्ड रेशो में तो ये आपका 50,000 का प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में तो यहाँ पे खत्म होता है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो मैं आंसर बता देता हूँ आपका मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टेट एनी टू सर्कमस्टांसेस इन विच सैक्रिफाइसिंग रेशियो मे बी अप्लाइड तो मुझे कोई दो सर्कमस्टांसेस बतानी थी जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाइड हो सकता है तो पहली सर्कमस्टांस तो है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जब रेशियो में चेंज होता है तो हमें क्या करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है कौन गेनिंग पार्टनर और दूसरी सिचुएशन कौन सी है दूसरी सिचुएशन है जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है तब भी हमें क्या करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है तो दो सर्कमस्टांसेस मैंने बता दी एडमिशन ऑफ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज का क्वेश्चन है आपके लिए स्टेट एनी टू आइटम्स दैट नीडेड एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कह रहा है जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का कोई दो आइटम्स बताइए जिनकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म तो आपको आंसर पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ओके बाय बाय टेक केयर बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा